ज्ञानतिम्रांदस्य ज्ञानंजन सलाकया चकितं वेतनजेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददातिसो वदान्त्यहम्। नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशधारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्यादर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो श्रीकाल सत्याय जगन्नाथ सताय च सभ्याय सभद्राय कलत्राय ते नमो। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमागदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमोस्ते। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कौरकल्मषनाशाय जाह्नवे पतये नमो। श्री अद्वैतं नमोस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरप्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो। गदाधरं वंदे माधवाचार्यमंदनम् महाभावस्वरूपं श्री चैतन्यभिन्नरूपिणं श्रीवासपंडितनयमे गौरांग प्रियपार्षदं जस्य कृपालविनापि गौरांगे जायते रतिः। उज्ज्वलवर्णा गौरवरदेहं निरसित निरवधि भाव विदेहं त्रिभुवन पावन कृपयलेशं तं प्रणमामि च शीर्षचेतनयं। गद्गदांतर भाव विकारं दुर्जन तर्जन नाद विलासं भव भय भंजन कारुण करुणं तं प्रणमामि च श्री सचेतनं तं प्रणमामि च श्री सचेतनं। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण। समस्तंको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम श्री चैतन्य महाप्रभु लीला समृत श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद आम गत थर श्रीमन महाप्रभु आविर्भाव संबंध में श्रवण करते आलोचना करते कि भाव कृष्णस कबीर गोस्वामी वर्णना कर चैतन्य चरितामृतर जे महाप्रभु कहीं धराधाम अवतीर्ण हेले तेणु आम
से विषय आलोचना करते चतुर्थ श्लोक पर्यंत प्रथम परिच्छेद आम आलोचना करते पाठ करते बर्तन आम पाठ करवा पंचम श्लोक राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति आत्म भाव पूरा देह भेद चैतन्यख्यम प्रकट मधुनम तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुलितम नयमी कृष्ण स्वरूपकम। श्री राधा एवं कृष्ण प्रेम संबंध भगवान अंतर सुख प्रदानकारी शक्तिर दिव्य परिप्रकाश अटे। जदियो राधा कृष्ण विभिन्न रूप अटंती से जो शाश्वत भिन्न कर वर्तमान ये दुहिनी दिव्य रूप पुनर्वार श्रीकृष्ण चैतन्य रूप में मिलित होती से स्वयं कृष्ण होते निजक श्रीमती राधारणी भाव एवं वर्णन प्रकट कर प्रणाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी एटि महाप्रभु आविर्भाव कारण प्रकाश कर भगवान श्रीकृष्ण राधाराणी राधा कृष्ण प्रणय वृत्ति शक्ति अस्मा देह आत्मा एक बपी भूमि पूरा देह भेदम गतो तो जे भगवान श्रीकृष्ण श्रीमती राधाराणी एक एक आत्मा दुई शरीर अर्थात भगवान श्रीकृष्ण राधाराणी अभिन्न अर्थात गोटे किंतु जेतरे भगवान श्रीकृष्ण तांगा लीला प्रकट करिया इच्छा प्रकाश करती अर्थात सुख प्रदान बा सुख प्राप्ति पर इच्छा प्रकाश करती से भगवान श्रीकृष्ण अंतरंगा शक्ति जहाँ कहते सुख प्रदानकारी शक्ति कहते से निजु प्रकाश करती कि भावना राधाराणी रूप से तेनाली भगवान श्रीकृष्ण निजक राधाराणी रूप से प्रकट करती दीटा शरीर निजक विस्तार करती राधा कृष्ण किंतु से ही राधा कृष्ण निजर लीला विलास करिया भी जितने कृष्ण दीटा स्वर प्रकट होती किंतु से पुनर्बार कौन से मिलित होती पुणी से ही दी तनु अर्थात राधा कृष्ण पुणी मिलित तनु पुणी आस कलीगर चैतन्य चैतन्यक्षम प्रकटम मधुनम तद्वैतम चक्यम माप्तम राधा भाव द्युति सुगलितम नयमी कृष्ण स्वरूपकम। से चैतन्य महाप्रभु रूप से अधुना अर्थात एक कली युग एवं कौन है आसना राधा भावंकर राधा रानी भाव को से अंतर धारण एवं दीप्ति सुबलितम अर्थात राधा रानी शरीर को जो अंग कांति को से बाहर धारण कृष्ण रूप को लुकायित कर से गौरव वर्ण धारण कर राधा रानी भाव एवं तांकर अंग कांति धरिक से कौटि प्रकट हो अधुना अर्थात जो कली युगरे से प्रकट हो नवदीप धाम राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनि शक्ति अस्मा देहात्म नाम अपि भूवि पूरा देह भेदम गतो तो चैतन्यकम प्रकट मधुनम तद्वैतम चक्यम माप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नयमि कृष्ण स्वरूपम। तेणु से कृष्ण भगवान जितने लीला करिया इच्छा हो से रस आस्वादन करिया चाहूँ से जो परकिया रस बा अंतर सुख से प्राप्ति हो इच्छा करते राधा रूप में प्रकट होती अर्थात निजे को दुईटी रूप से विस्तार करते से कली युग स्पेशली आसुचार अर्थात परवर्ती वर्णना कराऊ भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप से आसले कहीं राधारानी भाव को एवं तांकर अंग कांति धारण कहीं कले तार कारण बताऊंट किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन कहते परवर्त श्लोक श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृश बानयवा साध्य जनाद्भुत मधुरीमा कीदृश बा मदीय स्वच्छाच्य मत अनुभवत कीदृशम बेति लोभा तद्भाढ़ समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंधु।
राधाणी केवल जो प्रेम द्वारा कृष्ण ठीक आश्चर्य गुणमान आस्वादन करती प्रेमर मधुरता अनुभव कर सुख अनुभव करती से प्रेमर मह बुझ इच्छा कर परमेश्वर भगवान हरि राधा भावधारा विशेष भाव परिपूर्ण हो सगर चंद्र आवृत है श्रीमती सचिद गर्भ आवृत हेले एटी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते श्री राधया प्रणय महिमा जे भगवान कृष्ण कहीं चैतन्य महाप्रभु रूप से आविर्भाव हेले रूप धारण कर कहीं पड़ा ता गोटे कारण हूँ श्री राधया महिमा कीदृश बाण पाइबा जे श्रीमती राधाराणी जो प्रणय महिमा अर्थात श्रीकृष्ण सहित जो संबंध अर्थात से कृष्ण को जो प्रेम प्रदान करती जो प्रेम प्रदान कर अर्थात जो रस आस्वादन करती सेटा कि भली अर्थात जितने श्रीमती राधाराणी कृष्ण को सेवा करते भल पाती से दर्शन करते कृष्ण को से राधाराणी अति आनंद अनुभव करती जो मुखचंद्र बहुत प्रस्फुटित दे आनंद सुखमय देखा जाए सब से जमती जन व्यक्ति जो अत्यधिक आनंद प्राप्त हुए तार मुखर गोटे सौंदर्य तार जो प्रफुल्लता प्रकाश पाए से जिनस राधाराणी को से जिनस को देख श्रीकृष्ण मन मन चिंता करते राधाराणी मत दर्शन के आनंद प्राप्त होती यार महिमाटा कौन यार ये जिनसा कौन से श्रीराधय प्रणय महिमा किदृश आ रूपक दर्शन कर अर्थात कृष्ण रूपक दर्शन करना बाण स्वाद्य जना अद्भुत अर्थात राधाराणी जो कृष्ण जो रूप को आस्वादन कर दर्शन कर जो आनंद अनुभव करती ताकि कि अद्भुत स्वाद्य जना अद्भुत माने से रूप माधुर्य को दर्शन करी राधाराणी जो अद्भुत आनंद प्राप्त हूँ किपर एवं तृतीय कहते माधुरीमा किदृश बा मदीय से मधुरी अर्थात से माधुर्य से रसटा कि भरी बा जो आनंद प्राप्त हो राधाराणी से मधुरटा कि भरी ये हूँ ये तीन टा जिस मनरे आशीकरण कृष्ण करे जे श्रीमती राधाराणी जो मत एत भल केमती पाँच प्रणय महिमा ये जो कृष्ण मत भल कि भरी एवं मो जो रूप दर्शन करी जो रस आस्वादन करा किपर एवं जो आनंद निजे प्राप्त हो श्रीमती राधाराणी ता किपर से जिनस जानापी प्राप्त होगापी कौन करा सख्यांश मदन भवत कीदृश व्यती लोभा तद्भाढ़ समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु ये जो तीन टा भाव को प्राप्त हवापी भगवान श्रीकृष्ण हृदय लोभ जाग्रत एवं किभली भाव प्राप्त हे से कथा चिंता करी कौन कर तद्भाव बाबाढ़ समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु तेणु से चिंता करुछन जे मते से भाव बा से तनु मते ग्रहण करिया पड़ियो अर्थात मते राधाराणी भाव एवं तांकर रूप को ग्रहण कले ही मु कृष्ण रूप को आस मोर निज रूप को आस्वादन करी पारी मोर जो मो सहित तो जो संपर्क राधाराणी जो महिमा जो प्रणय महिमा ताकू अनुभव कर पारी तेणु से कथा चिंता करी से लोभ वशवर्ती है से कौन करना समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु अर्थात सची माता गर्भ रूप सिंधुरे हरि अर्थात भगवान गौर हरि से गर्भरे आविर्भाव होता सची माता गर्भ से प्रकट होती जे ये जे भगवान कृष्ण प्रथम लोभ नुहे भगवान कृष्ण वास्तव में लोभटा कौटू आरंभ हो जेतले प्रहलाद हिरण्यकशिप को प्रहलाद पिता हिरण्यकशिप भगवान नृसिंहदेव बध करछंती बध कला परे भगवान उग्र रूप प्रबल शांत करिया पई ब्रह्मा शिव लक्ष्मी समस्त देवता माने एकत्रित
किंतु केही से भगवान नृसिंह रूप को देखिक दर्शन करके भय रे कि जाऊ शांत करने प्रार्थना करूँ कि भगवान नृसिंह एत क्रोधित हो जाइंट हिरण्यकश्यप प्रति क्रोध शांत हो समस्त दिग अर्थात विश्व ब्रह्मांड बा स्वर्ग मर्त्य पाताल समस्त थरुछि समस्त भयभीत होती शांत करिए किए लक्ष्मी मत जी तांकर अति अंतरंग सेविका पत्नी से भय कर ब्रह्मा शिव लक्ष्मी माँ लक्ष्मी प्रहलाद को अनुरोध कर निर्देश दौर कहते तुम्हें जाओ कहीं तुम्हें भगवान नृसिंहदेव ये रूप धारण कर सुरक्षा देवाई से रूप प्रकट होती तेणु तुम ही शांत कर तेणु प्रहलाद निर्भीक थे कहीं भक्त वास्तव जो शुद्ध भक्त भगवान अति प्रिय भक्त से मैंने क्या भय करती भय अतीत कहीं ना जन्म मृत्यु जरा भी जो भी भय अच्छी जीव प्रति ऊर्धर से तेणु से कौन से भय नहीं कहीं जार मृत्यु भय था से समस्त भय करे तेणु प्रहलाद महाराज जेहेतु भगवान अति अंतरंग भक्त प्रिय भक्त कौन से भय ना कहीं भगवान से रूप से ही देखुं जदि से नृसिंह रूप प्रकट होती कि आगे से विष्णु तर से जो कमन रूप को से दर्शन कर तेणु से निर्भीक भाव जा नृसिंहदेव कोल में बसीगले मैंने कोल गोटे नहीं नृसिंहदेव जो से कोल में बसीगले से भगवान नृसिंहदेव जो उग्र रूप पूरा शांत हो जाए धीरे धीरे आते नृसिंहदेव कौन अनुभव कर आनंद अनुभव कर कहीं आनंद अनुभव करना प्रहलाद महाराज जो नृसिंह कोल में बस से हसुच्च बहुत आनंद अनुभव कर मुख को दर्शन करके प्रहलाद कोल में बस जो आनंद अनुभव कर हसुच्चे दृश्य को दर्शन कर नृसिंहदेव मध्य निज मन चिंता कर लोभ आस प्रहलाद मो कोल में बस से केते आनंद अनुभव करते सुख अनुभव कर तेणु से चिंता कले यही आनंद केमती प्राप्त हबि तांकर लोभ जाग्रत हो तेणु प्रहलाद क्या कोल बस ना भगवान कोल बस अर्थात भगवान हूँ समस्त परम पिता समस्त पिता जमती पुत्र पिता कोल बस जो आनंद अनुभव करे प्रहलाद महाराज से भाई भाव आनंद अनुभव कर तेणु भगवान नृसिंहदेव से लोभटा जाग्रत है कि चिंता मत बहुत जो बर्तमान आविर्भाव है से मोर पिता माता हूँ गोटे खम्ब तेणु से तुम सुख दे पारे से आनंद प्राप्त हो पारे जो बात्सल्य रस से प्राप्त हो पारे तेणु से दिन ठू भगवान चिंता कले या परवर्ती समय मुझे जिते भी आसवि मोर परवर्ती अवतार मुझे खम्बरु कि समुद्र रु आठ प्रकट है कहीं से कश्य मत्स्य जिते रूप धारण कर अवतार तर पिता माता नृसि अवतार पर्यत तेणु से परवर्ती समय से पिता माता ग्रहण करके से आसले यूर लोभटा जाग्रत सेमती राधाराणी कर जो भाव जो कृष्ण रूप दर्शन कर कृष्ण जो सेवा कर ये जो आनंद प्राप्त हो सुख प्राप्त होता कि जाने कि भगवान कृष्ण लोभ जाग्रत एवं से सची माता गर्भर से आविर्भाव हो कौटी नवदीप धाम रे नदिया रे ता परवर्ती शोक हो कि प्रकाश जे कि नित्यानंद प्रभु विषय कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते संकर्षण कारण तय साई गर्भदो साई चयोधि साई शेष सस कलह स नित्यानंद राम शरण अस्तु श्री नित्यानंद राम मोर
चिरास्मरण ही रुहंतु संकर्षण शेषनाग एवं करण साई गर्भदेव साई क्षीरदेव साई विष्णु तांकर कला एवं कलार कला अंश अटंती जे नित्यानंद स्वयं होचिन बलराम जे द्वापर युग बलराम थिले से कलि युग नित्यानंद रूप रे आछंती जहां ठारकु भगवान श्रीकृष्ण डायरेक्ट प्रकाश हो बलराम बलराम हूँ स्वयं नित्यानंद प्रभु से नित्यानंद जी कि कारणद साई एवं क्षीर साई एवं गर्भद साई एम अंशर बा कला से प्रकाश हो जे कि नित्यानंद प्रकाश हो तेणुक से कृष्णदास कवि से नित्यानंद जे कि भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष प्रकाश विग्रह प्रणाम मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पुण्यश्चर्य शिव तुश्चयः मध्ये रूपं जश्वद्भासी संकर्षणाख्यं तम से नित्यानंद राम प्रपद्ये एवं से नित्यानंद प्रभु जे कि वैकुंठ निवासी एवं जे कि वासुदेव संकर्षण प्रदीन अनिरुद्ध चतुर्दुध मध्य जो संकर्षण अच्छे नाम रे जे भगवान श्रीकृष्ण भगवान विष्णु से चतुर्भ रूप से निज विस्तार कर वासुदेव संकर्षण प्रद्युन अनिरुद्ध ये हूँ भगवान चतुर्भ रूप एवं जो संकर्षण हेले द्वितीय वासुदेव संकर्षण ये संकर्षण हूँ स्वयं नित्यानंद प्रभु जे कि समस्त ऐश्वर अधिकारी एवं तांकर निवास होची ए भौतिक ब्रह्मांड परपरे शोक न माया भवाढ्य कांड जंघासंग सेति साक्षात्करणं बोधि मध्ये जसुकांसः शिपुमानादि देव स्तंसे नित्यानंद रामं प्रपद्ये नित्यानंद राम पादन मोर पूर्ण प्रणाम अर्पण को जहां आंशिक प्रकाश कारण साई विष्णु कह जाए जी कि कारण सागर शयन कर आदि पुरुष माया शक्ति प्रभु एवं समस्त विश्व मान अशतल अटंती से नित्यानंद प्रभु जी कि आमर कारण साई विष्णु जी कि कह कारण सागर शयन करती से हूँ आदिपुरुष माया शक्ति जी हूँ प्रभु एवं समस्त विश्व ब्रह्मांड तांकर आश्रय स्थल अटे जस्याशील गर्भदोषाई जन्भाव्य जन्म लोक संघात नालम लोक षष्ठो श्रुतिका धाम धातु स्तंसि नित्यानंद रामं प्रपद्ये श्री नित्यानंद मैंने कृष्णदास कवि गोस्वामी प्रार्थना करछन कि ना नित्यानंद प्रभु जे नित्यानंद स्वयं होछन जे कि तांकर भगवान कृष्ण तापर से तांकर प्रकाश विग्रह बलराम नित्यानंद सब जिते गर्भत साई क्षीर साई विष्णु कानव साई विष्णु मैंने निजक प्रकाश कर गर्भत साई विष्णु से प्रणाम करे कि नाभिरु ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि भगवान जी कि ब्रह्मा सृष्टि होती जो पद्मनाड जो अच्छी से चौदह ब्रह्मांड आसने जस्यम सम स परमाखेला नाम पोष्टम विष्णु भाति दुग्ध बधिशाई क्षणि भर्ता जत्कला सुहपन्नत स्तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये एठारे नित्यानंद प्रमुख से वर्णना कर प्रार्थना करिए गर्भत गाई विष्णु ना एटी हम क्षीरत गाई विष्णु रूप से निज प्रकाश कर प्रकट हो जे कि विश्व ब्रह्मांड से पालन करता बा जे कि परमात्मा रूप समस्त हृदय विद्यमान अच्छा
महाविष्णु जगत्कर्ता माया जा सृजत्यदः तस्यावतार एवाय मद्वैताचार्यईश्वरः। एवं वर्तमान अद्वैताचार्य वर्णना दौरान प्रथम महाप्रभु वर्णना कर प्रार्थना करापर नित्यानंद को प्रणति करतमान से अद्वैताचार्य को प्रणति नवेदन कर महाविष्णु जगत्कर्ता मायया जह सुजत्यः तस्यावतार एवाय मद्वैताचार्य ईश्वर। परम पुरुष अद्वैताचार्य महाविष्णु अवतार अटंती आम जो अद्वैताचार्य अच्छा से हूँ महाविष्णु अवतार जहां प्रधान कार्य है माया शक्ति जरिया जगतिक परिप्रकाश करे से महाविष्णु अवतार कहुए शिवंकर अवतार कहुए कहीं भगवान शिव माया सहित जिते कृष्ण भगवान बहिरंगा शक्ति सहित संपर्क स्थापन करते हैं से शिवजी रूप प्रकट हूँ अर्थात ग्रहण करती जोटा कह क्षीर रु दधि रूपातरित सेमती अद्वैताचार्य जदि महाविष्णु किंतु से ये भौतिक शक्ति सहित जो संपर्क आसती से शिवजी गुण धारण कर अर्थात से माया शक्ति जरिया से भौतिक जगत को से सृष्टि करती तेणु से अद्वैताचार्य मु प्रणति नवेदन कर हरिणाद्वैताचार्य भक्ति सनसनाथ भक्तावतरमीशम तम तम अद्वैताचार्यमश्रये। जद्य से परम पुरुष अभिन्न एवं भिन्न से अद्वैत कह अर्थात से कौन सी द्वैत नुहे अर्थात कृष्ण ठाकुर से कौन सी भिन्न नुहे किंतु से भक्ति बाद प्रचार करता है जो से आचार्य न पड़े अर्थात आचार्य कहीं कहुए ना जेहेतु से ए भक्ति को प्रचार अर्थात आचार्य कहीं कहते जो मैंने आचरण कर भक्ति को प्रचार करते आचार्य कहुए से अद्वैताचार्य कहना अद्वैत अर्थात कृष्णंकर भक्ति को जो प्रचार करता अद्वैताचार्य कहूँ से हूँ भक्तवतार तेणु मुझे प्रणति नवेदन कर पंचतत्वकम् कृष्ण भक्त स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम्। एटि जो आम पंचतत्व पंचतत्व मुझे प्रार्थना करछन कृष्णस कविराज गोस्वामी पंचतत्वकम् कृष्ण भक्त रूप अर्थात चैतन्य महाप्रभु होंगे कृष्णंकर भक्त रूप। अच्छा तले रे चौदह नंबर तेपटे गला मुझे तो बही देखु तो सात कुआर आसला जो भक्त रूप भक्त स्वयं महाप्रभु होती भक्त रूप से निजी प्रकट कर स्वरूपकम अर्थात नित्यानंद प्रभु स्वरूप मान प्रकाश हूँ नित्यानंद प्रभु भक्तावतार है अद्वैताचार्य शक्ति हूँ भक्त शक्ति के ना गदाधर पंडित एवं भक्त हेले किए ना शिवास से पंचतत्वकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपम भक्तार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम स्वयं भगवान आसंग प्रकाश भी आसंगे कि नित्यानंद प्रभु एवं तांकर अवतार अद्वैताचार्य एवं भक्त शक्ति शक्ति गदाधर एवं भक्त होती शिवास तेणु मुझे प्रणाम किए कहना कृष्णस कबीर गोस्वामी ये हूँ पंचतत्व प्रणति नवेदन कृष्णस कबीर गोस्वामी। तापर से जो आम गौड़ वैष्णव धारे तीन टी विग्रह मूल विग्रह श्री मदन मोहन श्री गोविंद एवं गोपीनाथ तांकर से प्रार्थना कर जयताम सुरतो पंगुर मम मंदमति गति मत सर्वसु पदम भुजौ राधा मदन मोहन। से मदन मोहन को से प्रार्थना कर दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रोधाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद राधा शील गोविंद देव पृष्ठालिधि सेव्यमानुस्मरामि।
वृंदावन स्थित एक कल्प वृक्ष तले एक अरत्न खचित मंदिर श्री श्री राधा गोविंद से अत्यंत विश्वस्त पार्श्व सेवा ग्रहण कर एक ज्योतिर्मय सिंहासन बस प्रणति अर्थात गोविंद जी से प्रणति निवेदन कर कर्षन वेणु शनिर्गोपीर गोपीनाथ यापर रास नृत्य दिव्य सृष्टिकारी की जे कि गोपीनाथ तांकर से प्रार्थना करछन्दि जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद शेषे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रार्थना करे से तांकर समस्त भक्त वृंद से अद्वैताचार्य सहित तांकु प्रणति निवेदन करछन्दि ये तीने ठाकुर गौड़िया करी आचन आत्मसत ये तीने चरण बंधु तीने मोरो नाथ श्रील कृष्णदास कवरेज गोस्वामी जे वृंदावन रे जो प्रथम विग्रह श्री मदन मोहन श्री गोविंदजू एवं गोपीनाथ ये तीन विग्रह होती आमर ये गौड़ीय वैष्णवधार अर्थात जो मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु अनुगामी ये तीन विग्रह से आत्मा एवं हृदय कहीं मूल विग्रह से तेणु ये गौड़ीय धारा आम ये तीन विग्रह को आराधना करा जाए तेणु तांकर प्रणति निवेदन कर चैतन्य चरितामृत से रचना करने को जाऊंगी ये तीन आम जो देखा से गौड़ीय वैष्णव धारा रे आम जो अच्छी संबंध अभिधेय प्रयोजन या पर सब आस जो आम श्री मदन मोहन श्री गोविंद एवं श्री गोपीनाथ तेणु संबंध हूँ आम किए ना प्रथम श्री मदन मोहन जे कि आमर गौड़ीय वैष्णवधार आराध्य देवता तेणु आम मदन मोहन मध्यम आम भगवान श्रीकृष्ण पाद पद्म अर्थात पुणी कह पादेश कटिदेश मुखदेश तेणु मदन मोहन हूँ पाद अर्थात प्रथम आम कौन भक्त बा कौन साधु भगवान आम दर्शन कर प्रथम आम भगवान पाद पद्म को दर्शन करिया दरकार अर्थात मदन मोहन जी को सहित आम प्रथम संबंध स्थापन करिया दरकार अर्थात आम आराधना करिया दरकार तेणुक प्रथम कृष्णदास कविराज गोस्वामी मदन मोहन को से प्रार्थना कर मदन मोहन प्रकट किए कर सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी आराध्य देव हूँ जे कि मदन मोहन सनातन गोस्वामी जो गृह त्याग कर महाप्रभु साक्षात करते साक्षात पर महाप्रभु भक्ति शास्त्र शिक्षा देते एवं से वृंदावन को प्रेरण करते तुम्हें जाओ वृंदावन रूप सनातन को जे तुम्हें जाकि भगवान श्रीकृष्ण जो दिव्य लीला राधा कृष्ण दिव्य लीला स्थल अच्छी तुम उद्धार कर एवं जो शास्त्र अच्छी भक्ति रस शास्त्र तुम प्रणाम कर तेणु ये थिला निर्देश महाप्रभुकर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी षोड़ गोस्वामी प्रति तेणु सनातन गोस्वामी वृंदावन आसी जो अवस्थान कर सनातन गोस्वामी गोटे जगह स्थिर है कौन सी आम जमी बर्तमान मंदिर करे आश्रम करे सेमती कर सनातन गोस्वामी कि ब्रज वन ब्रज धाम रे से प्रति गच्छ तले गोटे गोटे रात्रि जापन करते महाप्रभु को जो निर्देश थिला जे लीलास्थल उद्धार करिवा एवं रसशास्त्र रचना करिवा
तेणुक सनातन गोस्वामी जो गट गच वृक्ष तले रोते दिन समय भी रचना करते शास्त्र एवं रात्रि कर सहित भजन करवा कि रात्रि जो से ये शास्त्र रचना करते तो से समय इलेक्ट्रिसीटी नाला कि बती बा लंठन आलुआ व्यवस्था नाला कहीं ना से साधु तक कौन सी जिनस नाला तेणुक सी कौन करते ना जो गचर सब पत्र पड़ी थाए से पत्र को से जल जो निया जल अल्प अल्प पत्र पकई कि जो आलु हुए से आलुरे से बही बा से शास्त्र रचना कर पाखे कौन सी प्रकार सुविधा नथिला रहिबा सुविधा कौन सी प्रकार नथिला से दिन बेले माधुकरी जहाँ आनंदी ताकु भोजन करती ना तांकर खाया पें किसी व्यवस्था थिला ना रहिबा पें किसी व्यवस्था थिला ना पिंधिया पें किसी व्यवस्था थिला गोटे कंथा गोपनिस्त्रु को आउसु गोटे उपनी आ गोटे अंतर्वास गोटे बहिर्वास कमंडो एति होची तांकर जिनिस एवं प्रतिदिन से तांकर स्थान परिवर्तन करंती एवं जेते से आसंदी कोठी ना से समय बर्तन आम देखु बहुत पूरा गाँ सब रोचे अच्छी से समय नाला पूरा कम गाँव थिला एवं से मथुरा प्राय सब दिन आसंदी भिक्षा करिया को माधुकरी आम जहाँ कह माधुकरी अर्थ हूँ मधु जमती मधुमाछी जमती महुमाछी जमती मधु संग्रह करे कहीं से बुंदे बुंदे से सब फुलरु से रस आनी तार मऊ जो फेणा था भर्ती करे अर्थात से गोटे फुलरु गोटे रस बुंदा नहीं आसो तार से आवश्यक ये माधुकरी अर्थ हूँ जो माने साधु ब्रजर जो मान अच्छा तांकर भोजन में जितकी आवश्यक से माने गोटे कि दीटा गृह को जीवे जी आवश्यक नहीं आसला से तृतीय गृह को जाते तांकर भोजन करिया करने बस चली आसमती से माधु करी करी सनातन गोस्वामी चलुले दिन बेले से जाती माधु करिया अन्य सब से निजर भजन करती एवं शास्त्र को से रचना करती किंतु से दिने जा मथुरा विशेषकर से जिते जने ब्राह्मण गृह को भिक्षा कर ब्राह्मण गोटे पुत्र अच्छी छोट बालक से ब्राह्मण ये जो मदन मोहन विग्रह को से पूजा करते सेवा करते कहना विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन जे आम जो देखु विग्रह मंदिर ये विग्रह नुहे तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन ये विग्रह भगवान श्रीकृष्ण ब्रजराज नंदन अभिन्न कृष्ण ठार अभिन्न से कहु भगवान नाम रूप गुण लीला अभिन्न कृष्ण ठार से ब्राह्मण घरे जो मदन मोहन विग्रह थे गोटे छोट पुत्र संतान थे से सहित से आस बाहर खेलती प्रतिदिन आउ सनातन गोस्वामी जाती भिक्षा करने को क्या ब्रजर एमती अच्छा जे पर्टिकुलर किसी साधु अच्छा पर्टिकुलर ब्रजवासी गृह को जाकि से भिक्षा ग्रहण करती क्या से माने से ब्रजवासी चाहती साधु आसिक गृह रु किसी जो भजन ग्रहण करंतु अर्थात सेमाने सेवा ग्रहण करंतु तेणु सनातन गोस्वामी जिते से मथुरा दांड देखि जाऊँ से ब्राह्मण गृह को से बालक ब्राह्मण पुत्र एवं मदन मोहन खेलुंट आ सनातन गोस्वामी सेवा देखि जाऊँ दिन हटा से शिशु रूपी मदन मोहन बालक रूपी मदन हाथ को धरी पकेले बाबा बाबा मु तुम सहित जीवी
सनातन कह तुम मो सहित जी कौन कर तु ना ना तु खेल मो सहित कौन जीव तो कह पलि आसने पुणी जो आउ थे जाइंस सनातन गोसाई पुणी से छोट बाड़क रूपी से पुणी से खेलु पुणी बाड़क धरले हाथ कह बाबा मुझे जीवी अरे तू मो सहित गले कौन मो तो घर नहीं द्वार नहीं किसी नहीं खाया कि नहीं मो सहित रहू के खाइबू कौन कह ना बाबा मु तुम सहित जीवी कह ना ना तू छोट पा तू मो सहित कौन कर मना करदे एवं मना करदे से पर से पिला जो ब्राह्मण बाड़क से मदन मोहन रूपी बाड़क खेली खेली से तापर शेष से चलीगले घर को दौड़ की पलिगले से जो ब्राह्मण गृह को आउ सनातन गोस्वामी लोक से छोट बाड़क दिज से गृह को चलीगले से जो जा देखिले से ब्राह्मण गृह को जाइए गले देखले जे मदन मोहन से अच्छा मंदिर अच्छे छोट घर भितर अच्छा गोटे मात्र पुत्र से अच्छी दीटा पुत्र ये बाड़क पशिले आगे पड़े आउ गोटे बाड़क गला पड़े देखले बास्तव से होती मदन तापर तृतीय थर से हेके स्वप्न रहा डायरेक्ट कहली जो कह बाबा मुझे तुम सहित जी से सनातन गोस्वामी कह देख तुम जिदी धरच मो सहित आसापी किंतु मो सहित रहा तुमको सुखिला रुटी खाया पड़ो क्या से रुटी रे मो पाखे कि ना लुण मो पाखे ना जे रुटी रे अटारे लुण पकई रुटी या मो पाखे लुण ना अलणा रुटी तुमको खाया पड़ो एवं जो माकड़ मान जो चना दिया दिहे सुखिला चना से चना मु खाई आमण जल पान कर तुम्हें जदि ता खाइब सुखिला रुटी सुखिला चना आ जमुना जल पान कर आस मु तुमको राजभोग दे पारे क्या तुम्हें नंद बाबा पुत्र तुम राजभोग दरकार ऐश्वर्य दरकार ये सब मुझे तेणु मदन बाबू कह ठीक अच्छे राजी हो गल मदन कह ठीक अच्छे जहा तुम्हें दब मुझे ग्रहण किंतु मोपाई रही भी घर नहीं ता सहित मुझे गोटे जगह रुहेनि आज ये अच्छे कल से गूल रोच आ देखा दे झूला झूला बैगटे से पकई था कह झूला बैग रहा तो पड़ो जे आम बाबा जी सब भक्त मान धर गोटे बैग पकाचन ना कम सनातन गोसाई मध्य बैग बाबा जी देखे बैग छोट छोट बैग धरते सब ता भर सब तिलक फिल शास्त्र किसी थी ये सब तेनाली तेज बैग क्या मो घर नहीं सिंहासन भी ना तो तुमको ये बैग रहा पड़ो मदन राजी गल ठीक अच्छे तुम जो रख मुझे रही जहाँ खाइद भोजन करी तेणु मदन मोहन राजी गले एवं से दिन से ब्राह्मण ग्रह त्याग कर सनातन गोस्वामी पाक चली आसने सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी चली आसला सनातन गोस्वामी तो प्रतिदिन ब्राह्मण गोटे जगह एक जगह से जगह बुलंती आ खाया व्यवस्था किसी हो पारे नहीं कहीं मदन मोहन किंतु मदन सनातन गोस्वामी जेहेतु भक्त थे कहीं साधारण भक्त ना प्रेमी भक्त कहीं कृष्ण को एत प्रिय भक्त थे से कृष्ण को चिंता ही कर कृष्ण लीला ही स्मरण कर कृष्ण लीला ही से ग्रंथ रे रचना करछन्ती तो से चिंता कले ये तो जी मदन मोहन होछन्ती नंद महाराज के पुत्र जशोदा माता पुत्र जे कि लाडला जे कि एते भोग ऐश्वर्य प्राप्त होंती से आज सुखा रोटी खाऊछन्ती सुखा चना खाऊछन्ती आ जमुना जल पान करछन्ती मन टे दुख हला जदि से कही देछन्ती तुम पाखे रहिले सुखा रोटी सुखा चना जमुना जल पान करिवो किंतु अंतरे तांकर भगवान कृष्ण भोग देवा इच्छा हूँ अर्थात आनंद प्रदान कर इच्छा हूँ कहीं भक्त ना निजे से दुख रे रही पारे भक्त सब कष्ट सही जो किंतु से भगवान के बेले दुख प्रदान कर पार ना जमी ब्रजवासी मान मान कृष्ण से बहुत कष्ट सही कि इच्छा कर कृष्ण सुख से रुहतु आम बर दुख रे रो
आमे बर नरक को जाऊ किंतु कृष्ण आमर सुखी रे रहंतु बा सुख रे रहंतु ये होची तांगर कामना ये होची इच्छा सेंते सनातन गोस्वामी कर ए भाव जागृत हैछि जे मदन मन होचंदे नंद महाराज कर पुत्र जे के षोडेश्वर्य समस्त षोडेश्वर्य अधिकारी से पुनी आज मोर ये जो छिंडा बैग आ सुखा रोटी सुखा चना खाई रोचंदे तो तांकर मन रे जागृत होला इच्छा होला राजभोग प्रदान करी मान भल सेवा करी इच्छा कर किंतु से मैं संपूर्ण वैरागी किसी व्यवस्था ना सुविधा ना जेहेतु भगवान हूँ भक्त वत्सल भगवान भक्त इच्छा को पूर्ण करती जहा भक्त इच्छा करगवान पूर्ण कर भगवान इच्छा पूर्ण नहीं पारे कि भक्त जदि इच्छा कला भगवान ता निश्चित पूर्ण कर तेणु परवर्ती समय कौन हटात दिने से समय ये रोते सनातन गोस्वामी जमुनाकूल रोते कुटीर बनाई जमुनाकूल किसी दूर रे जोटा कि आज आम देखुचे जे सनातन गोस्वामी जो समाधि अच्छी से चीजर भजन कुटीर क्या अलग अलग सेपटे आप जो जी नंदगाम से भजन कुटी अच्छी नंद जो अच्छी मंदिर अच्छी नंद भवन सेपट पचपटे देखिए गोटे जशोदा सरोवर अच्छी ताखे सनातन गोस्वामी भजन कुटीर अच्छी सेमती पावन सरोवर सैड अच्छे सनातन गोस्वामी भजन कुटीर सेमती एटी वृंदावन जो जमुनाकूल भजन कुटीर अच्छी से भजन कर समय कौन साधारण से समय से काल जिते आम भारत ओडिशा जिते थे बणिक मान थे से नदी में नाव मध्य डंगा मध्यम से अन्य बाली सुमात्रा जो कहते दिल्ली सियाड़े नहीं से माने बिजनेस करते जिनस नहीं सेल करते नदी मध्यम नौकर आसते यही समय जन बणिक जे धनाढ़ व्यक्ति तार व्यवसाय करने से जो कर्पूर नहीं जा दिल्ली जो भरिकी पूरा नहीं जा जिनपत सब नहीं जा प्रबल वर्षा आपर से डंगा मैं से वर्षा पर आते कहीं जेहेतु कम पा था से जगार ता डाटा लग जा ठीक जमुनार से वृंदावन घाटे पाखे जोटी आम देखु बर्तमान मदन मोहन अच्छा से आगू तार थिला नदी कूलटा जिते नदी रे नौका लग जा प्रयास कर नाविक अर्थात जे व्यक्ति जे व्यवसाय कर धनाढ़ व्यक्ति सब प्रयास किंतु प्रयास कला परे मध्य सब प्रचेषा कला परे मध्य से डंगा से आउ उठे पार नथला केना पानी कम थी एवं आखपाख से समय कौन सी गाँ गंडा नथला केवल जंगल ही थला तापर से जो निराश है से पाखरे कहार साहय से आसी आसी जो लोक पचारा मो डा एम लग जा उठे पर कौन सी प्रयास आपको साहय आम कि तुम जाओ से जो बाबा अच्छा से बाबा जो कृपा हम ताल तुम तुम डा उठ ये समस्या तुम उद्धार पाइब तेणु से बणिक आसी सनातन गोस्वामी पहुंचले आम जब जी बर्तमान वृंदावन देखुचे जो मदन मोहन मंदिर मंदिर अच्छे सैड देख मंदिर सैड सनातन गोस्वामी भजन कुटीर अच्छे सेठी से जिते भजन करते से बणिक प्रणाम कले कले बाबा मु दिल्ली नहीं जाऊँ कि कर्पूर पूरा संपूर्ण फुल अच्छी मो डे डाटा दबी जा उठी पारनी आप कृपा कर कृपा कले मो डाटा उठी जो सनातन गोस्वामी कहे मुझे कृपा कर लोक से बस जा
क्या सनातन गोस्वामी झुपड़ी घर करते कुड़िया घर करते रखी दे गंठली से बणिक गले प्रार्थना कले कहना मदन मोहन हे मदन मोहन ना तो जानते हे प्रभु गोपाल मदन मोहन आप कृपा कर कृपा कले मो डा उठीगले मुझे बेपार करी जहाँ सेल करी समस्त प्रॉफिट आपन को प्रदान करी आप सेवे लगेदेवी आप कृपा कले मो डा उठी प्रार्थना कर चली आस जमुना कूल को आसुची आसिया बाटर प्रबल वर्षा आस प्रबल वर्षा मैंने कला मेघ उठे पूरा छिंछतर वर्षा होते वर्षा हो प्रबल पानी आसी जमुनार एवं से डंगाटा पूरा ऊपर को उठी भासी भासी से चली से नाविक मान से जो बणिक से जा दिल्ली जा दिल्ली संपूर्ण कर्पोर को से बिक्री कर एवं से दिन एभली बिक्री तार जी रेट था ता डबल दिगुणा तीन गुणा रेट से बिक्री कर जिनस पत्र तीन गुणा बिक्री तार लाभ प्रबल एवं से तापर बिक्री बटा सारिक से फेरी वृंदावन सनातन गोस्वामी भेट कर सनातन गोस्वामी भेट कर प्रार्थना कर प्रभु मदन मोहन कृपार मोर आज डंगा तो उठीगला कितु मुझे मैंने दैनिक मानते नर्माली जी बिक्री करे तार दिगुणा तीन गुणा मोर प्रॉफिट होच्छा कर संपूर्ण मुझु कहती प्रार्थना करी केवल प्रॉफिट देवी कितु मुझे बर्तमान संपूर्ण जहाँ भी बिक्री हो संपूर्ण मु मदन मोहन सेवार लगे इच्छा कर सनातन गोस्वामी इच्छा था जे सुंदर व्यवस्था करने मदन मोहन तेणु सनातन गोस्वामी कहले ठीक अच्छे तमें से अर्थ को मदन मोहन गोटे सुंदर मंदिर तैयारी कर एवं तांकर पूजा भोग पूजार सब व्यवस्था कर एवं से बणी से जहाँ प्रॉफिट रहा सांगे से पैसा को व्यवहार कर से सुंदर मंदिर आम जो बर्तमान मंदिर देखुचे जदि संपूर्ण मंदिर नुहे जवन समय आरोप समय से मंदिर को भंगा ही जो देखु मुखशाला मात्र अच्छी से बणिक सुंदर भाव से मंदिर को निर्माण कले एवं मदन मोहन राजभोग व्यवस्था कले एवं अलंकार व्यवस्था कले कहीं सनातन गोस्वामी इच्छा करते जे मदन मोहन हूँ भगवान जी स्वयं कृष्ण जी कि नंद जशोदा पुत्र षोड़श्चर्य पूर्ण जी कि शत सहस लक्ष्मी सेव्य मान तर के सुंदर सेवा हम ये जो इच्छा प्रकट करते अंतर से अंतर इच्छा को पूर्ण करने श्रीकृष्ण भगवान मदन मोहन ये सब व्यवस्था कले जदि सनातन गोस्वामी संपूर्ण बैरागी कौन सी भौतिक वस्तु आसक्ति ना तांकर कौन सी जिनस कर अभिलाष नाला कितु से सीना बैरागी सब त्याग करूँ भगवान कृष्ण से तो भोगी विषय विग्रह समस्त विषय विग्रह हूँ कृष्ण अर्थात समस्त भोग वस्तुर भोग्य करिया व्यक्ति हूँ भगवान श्रीकृष्ण तेणु आम भोग प्रदान करिया दरकार आम त्याग ही पार कि भगवान को आम भोग दवा दरकार ये हूँ भक्तर अभिलाष कृष्ण सुख पाई भक्त सब किसी कर तार सरे मध्ये त्याग कर दे पार कृष्ण सुख पाई निज मान सुख पाई से चिंता करे ना से कृष्ण सुख से सनातन गोस्वामी जदि त्यागी थिले संपूर्ण बैरागी थिले किंतु से जो बणिकर अर्थ को से ग्रहण कले से अर्थ को से भगवान सब लगेले तेणुक शिल प्रभुपाद कहते जे जदि भक्त कौन सी अर्थ प्राप्त हुए क्या साधारण कह अर्थ ही हूँ अनर्थर कारण अर्थ जो तुम पाखे आसला तुमको विभिन्न असुविधार पकेब तुमको नर्क को ना रास्ता खोलीदेव कि आम भगवान अर्थात कृष्ण सेवार न लगे उपयुक्त न लगे पार्ट
ताले से ही आमर बंधन कारण हम नरकर मध्य कारण हम से मायावादी मान कौन कहते ना ये सब भोग वस्तु से त्याग करती कहे सब माया ये सब बंधन कारण कि जो माने भक्त जो माने कि से अर्थ को कृष्ण सेवार लगे पारती जानी केमती कृष्ण सेवार लग जा कहीं सब विषय ना अर्थ हूँ विषय विषय को विषय सेवार लगे पड़ा से आश्रय विग्रह विषय विग्रह विषय विग्रह ना किए कृष्ण आश्रय विग्रह किए भक्त आम भक्त आश्रय कर विषय को ये अर्थ को आम कृष्ण सेवार लगे दरकार तेणु आमर अर्थ को जब साधु प्रदान करवा जो शुद्ध भक्त पियर भक्त से मैंने अर्थ को नहीं कृष्ण सेवार लगे कहीं ना कृष्ण खुशी हे कृष्ण आनंद प्राप्त हे मंदिर तैयारी करेंगे तांकर भोग व्यवस्था करेंगे तांकर अलंकार व्यवस्था करेंगे तांकर सुख प्रदान करेंगे कृष्ण में से अर्थ को सामने विनियोग करेंगे ताले से कौन से आउ असुविधा हो से अर्थ को जदि आम कृष्ण सेवार न लगे आम सेवार लगे ताले से दंड भोग करा पड़ो तेणु सनातन गोस्वामी मदन मोहन सुख विधान से सुंदर मंदिर निर्माण कले भोग व्यवस्था कले से दिन ठारू मदन मोहन से मंदिर निवास कले सेवा सीधा सब व्यवस्था करागला ये हूँ मदन मोहन प्रकट जी कि आम प्रथम गौड़ीय संप्रदायर महाप्रभु धारा रे प्रथम विग्रह हूँ किए ना मदन मोहन तेनालीर आस ये हूँ कौन आम सम्बन्ध तेणु आम प्रथम सम्बन्ध विग्रह मदन मोहन तेणु आम प्रथम सम्बन्ध स्थापन करा सहित करा ना मदन मोहन आराधना कर मदन मोहन पाद देश से प्रथम आम भगवान पाद देश को दर्शन करने दरकार आराधना कर सम्बन्ध स्थापन करने दरकार ताल आम भक्ति सहित भगवान सहित भक्ति मध्यम जोड़ी ही पार तेनाली समय आम गोविंद जू मदन गोपीनाथ विषय आलोचना करवा तेणु आज कथी आम विश्राम देवा हरे कृष्ण जय श्रील प्रभा जय श्रील गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु जय जदि कहार किसी प्रश्न बा किसी कहार अच्छे आपर हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्रील प्रभुपाद की जय सर्वेद भक्त वृंद की जय जय।